नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में एक बार फिर से पुल हादसा हुआ है। उद्घाटन से पहले ही पुल ध्वस्त होकर नदी में समा गया। घटना अररिया जिले के सिकटी प्रखंड की है। यहां करोड़ों की लागत से बकरा नदी के पड़रिया घाट पर बना पुल अचानक से नदी में समा गया। मंगलवार दोपहर 2:05 पर यह हादसा हुआ। 182 मीटर का पुल कुल 3 हिस्सों में बना था। दो पाए के साथ दो हिस्से नदी में समा गए। इधर घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण पहले बने पुल के अप्रोच कट जाने के बाद कराया गया था। लोगों का आरोप है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। लोगों का कहना है कि हाल ही में पुल के अप्रोच पथ को बहाल करने के विभाग की ओर से कवायद शुरू की गई थी, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। अररिया के सांसद और विधायक ने ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। अररिया के सिकटी प्रखंड में उद्घाटन से पहले ही पुल ध्वस्त हो गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के तहत बने इस पुल की लागत 7,79,00,000 रुपए थी। 182 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में यह 7,80,00,000 की लागत का था, लेकिन बाद में नदी की धारा बदलने और अप्रोच सड़क को लेकर कुल 12,00,00,000 की लागत का हो गया था। यह जून 2023 में बनकर तैयार हुआ। पुल के दोनों ओर पहुंच पथ नहीं होने के कारण इस पर आवागमन नहीं हो रहा था। ग्रामीणों ने कुल निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की माने तो पिछले दो दिनों से पुल के स्लैब में दरार दिख रही थी। मंगलवार को अचानक से भरभरा कर पुल गिर गया। इस पुल का निर्माण केंद्र सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत पड़ोसी जिला किशनगंज के ठेकेदार सिराजुर रहमान ने कराया है। विधायक और सांसद ने यह आरोप लगाया कि पुल हादसे के बाद सांसद प्रदीप कुमार सिंह और सिकटी भाजपा विधायक विजय कुमार मंडल ने इसे संवेदक और विभागीय लापरवाही का नतीजा करार दिया। सांसद और विधायक ने पुल की प्लानिंग में गड़बड़ी बरतने जाने की बात करते हुए रात में संवेदक पर गुणवत्ता विहीन काम करने का आरोप लगाया। सांसद ने मामला एक जांच उच्च स्तरीय टीम के साथ करने के साथ जिम्मेदार संवेदक और विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। पुल गिरने की घटना पर राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 100 रुपए में जब 40 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे तो पुल का गिरना स्वाभाविक है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।